हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली क्लास सिक्स की एनसीईआरटी का सोल्यूशन, जो कि 3.3 के सोल्यूशंस के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ना होगा कि एक्चुअल में डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। अगर मैं बात करूँ डिविजिबिलिटी रूल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओ या किसी बहुत बड़ा नंबर है उसमें हमें चेक करना है कि इसमें किस नंबर का डिवाइड चला जाएगा, तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हमें बहुत हेल्प करता है। देखिए, अगर हमें फाइंड आउट करना होगा कि किसी नंबर में 2 का डिवाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि उस नंबर के लास्ट डिजिट को देखिए। अगर उसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं, यानी कि उस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा। देखिए, जैसे मान लें हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1, 2, 6, 8 और लास्ट में 8 दिया हुआ है, यानी इस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 3 के डिविजिबिलिटी रूल की, कि एक्चुअल में हम 3 को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि 3 का डिवाइड इसके अंदर जाएगा या नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले 3 के डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग चेक करते हैं कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उस जो डिजिट्स रहती है उनको हम लोग सम करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम डिजिट को सम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 3, इनको प्लस करके देखेंगे कि अगर इनके प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, यानी कि इस नंबर में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 3 को प्लस करेंगे 6 और 6 में 3 को प्लस करेंगे 9 आएगा, यानी कि 9 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, यानी कि इस नंबर में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 4 की डिविजिबिलिटी रूल की। 4 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि 4 में हम लोग देखेंगे लास्ट के टू डिजिट। जैसे मान लिया हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 6, 2, 9, 8, 2 और 8, ये नंबर दिया, तो लास्ट के टू डिजिट्स में हमारे पास 28 है और 28 में 4 का डिवाइड चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस नंबर में भी 4 का डिवाइड चला जाएगा। अब देखिए 5 की बात करते हैं कि 5 को कैसे हम चेक करेंगे कि इसमें 5 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो 5 को चेक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर हो 210, यानी कि इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा, या हमारे पास नंबर हो 315, तो इसमें भी 5 का डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट को केवल हमें देखना है, 0 और 5 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से, डिविजिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 6 की नहीं बल्कि 6 के डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा। तो यहाँ पे 2 और 3 देखिए, 2 और 3 इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो जिस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा और 3 का डिवाइड चला जाएगा, उस नंबर में 6 का डिवाइड भी चला जाएगा। और 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कैसे हम चेकआउट कर पाएंगे कि देखिए 6, 36 दिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 का डिवाइड तो चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। अब हमें 3 का चेक करना है कि 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 6, 3 और 6 को प्लस करके देखो आप। तो 6 और 3 को प्लस करेंगे 9 आएगा, और 9 में हम लोग 6 को प्लस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 की अगर मैं बात करूं तो 15 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, यानी कि इस नंबर में 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, और 2 और 3 का चला जाएगा, यानी कि 6 का डिवाइड भी इस नंबर में चला जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। देखिए 7 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, यूनिक है, और 7 के डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे किसी नंबर में कि 7 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए हमारे पास नंबर है 7, 7, 7, 3, 4, 3, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं 7, 3, 4, 3। तो इसमें क्या होता है, हम लास्ट डिजिट को डबल करके क्रॉस कर देते हैं। 3 था, 3 को हमने क्रॉस कर दिया, इसको डबल करेंगे तो 9 आएगा यहाँ पे, और 14 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आने वाला है। अगर मैं 14 में से 9 को माइनस कर दूं, 14 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 7। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, 9 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 नहीं आएगा बल्कि 14 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो 5 आएगा, सॉरी 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो देखिए हमारे फिर से देखिए 7, 3, 4, 3। अगर यहाँ पे इस नंबर को डबल करता हूँ और यहाँ से मैं माइनस करता हूँ 6 को, डबल कर दिया 3 का, डबल 6, और 6 को जब हम माइनस करेंगे, 9 को नहीं बल्कि 6 को करेंगे, क्योंकि इसका डबल 6 होगा ना कि 9 होगा, और 14 में से अगर मैं 14 में से 6 को माइनस करता हूँ तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 8,
और यहाँ पे आएगा 2 और 7, यहाँ पे 728 आएगा। फिर हम 8 को क्रॉस करेंगे और 72 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 16 को, क्योंकि 8 का जो डबल होने वाला है वो 16 होने वाला है। तो यहाँ पे नंबर आएगा 6, यहाँ पे जो इसको माइनस करेंगे तो नंबर 6 आएगा और यहाँ पे 5, तो हमारे पास जो नंबर आया 56। और 56 में हम जब डिवाइड करेंगे 7 का तो कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर था 7343, इसमें भी 7 का डिवाइड चला जाएगा। मतलब करना कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट को क्रॉस करना है, डबल करते जाना है, रेस्ट डिजिट से माइनस करते जाना है, फिर वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है और देखना है कि क्या जो नंबर आ रहा है उसमें 7 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर डिवाइड जा रहा है तो उस कंप्लीट नंबर में भी, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें भी 7 का डिवाइड चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो लास्ट के केवल 3 डिजिट देखने हैं कि इसमें 8 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है 21816, लास्ट के 3 डिजिट्स में आप देखिए 8 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स में 8 का डिवाइड जा रहा है तो इस नंबर में भी 8 का डिवाइड जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पे बात होगी कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, इसमें 9 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए अगर मैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना चाहूंगा तो सेम 3 के जैसे करूंगा, क्योंकि इसमें भी हमें नंबर को सम करना है और देखना है। देखिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर दिया हुआ है 9, 2, 8, 1 और 7। तो अगर इनको हम सबको प्लस करेंगे, इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि इसमें 9 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए 9 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11, 11 में 8 को प्लस करेंगे तो 19, और 19 में 1 को प्लस करेंगे तो 20, और 20 में 7 को प्लस करेंगे 27, यानी 27 में 9 का डिवाइड चला जाएगा। यानी इन सबको प्लस करेंगे, केवल डिजिट्स को प्लस करना है तो 27 आएगा इसका रिजल्ट, और 27 में 9 का डिवाइड चला जाएगा, यानी कि इस नंबर में भी 9 का डिवाइड चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 10 की, कि 10 की डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है बल्कि हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि कैसे हम लोग इसमें चेक कर पाएंगे 10 की डिविजिबिलिटी को। तो लास्ट में 0 होना चाहिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो उस नंबर में 10 का डिवाइड कम्प्लीटली चला जाएगा। अब 11 की बात करते हैं, 11 को कैसे देखेंगे। देखिए 11 में क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस कर दीजिए तो उसमें हमें फाइंड आउट हो पाएगा कि इस नंबर में 11 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1331, 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें डिवाइड जा पा रहा है नहीं 11 का। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, फिर प्लस और माइनस, 3 में से 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ भी करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। अब देखेंगे कि 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। यदि 0 आता है या 11 से डिवाइड हो जाता है, जो भी नंबर आता है उसमें 11 का डिवाइड होता है, यानी इस नंबर में भी क्या हो जाएगा, 1331 में भी क्या हो जाएगा, 11 का डिवाइड चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 12 की, कि 12 की डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेकआउट करना है। देखिए 12 का जो फैक्टर होता है वो 3 और 4 इसके फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जिस नंबर में 3 का डिवाइड चला जाएगा और 4 का डिवाइड चला जाएगा उस नंबर में 12 का डिवाइड भी चला जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने बात करी माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस में किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, क्योंकि कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी रूल के बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक टेबल दी गई है, और इस टेबल के अंदर हमें बताना ये है कि क्या इसमें इस जो नंबर है इसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इन सबके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 से कैसे फाइंड आउट हो पाएगा डिविजिबिलिटी रूल, 3 से कैसे फाइंड आउट हो पाएगा, 4 से कैसे फाइंड आउट हो पाएगा, और 5, 6 से कैसे फाइंड आउट हो पाएगा। इसके अलावा 8, 9, 10 और 11 के मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप सभी लोगों को बता दिए। अगर इसमें डिवाइड जाता है तो आपको यस लिखना है, अगर डिवाइड नहीं जाता है तो आपको नो लिखना है, वो भी बिना डिवाइड किए हमें देखना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो हम देखते हैं इनके टेबल्स को कि किसमें किसका डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए उस डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट के बेस पे कम्प्लीटली इस टेबल को हमने फिल किया है। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे 128 में 2 का डिवाइड चला जाएगा। क्यों 2 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पे 8 आ रहा है, और मैंने बताया है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई सा भी नंबर आता है तो उसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। 3 का डिवाइड क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस नंबर को प्लस करने पे ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा जिसमें 3 का डिवाइड चला जाए। लास्ट के 2 डिजिट में अगर 28 लिखा हुआ है यानी कि 4 का डिवाइड चला जाएगा। 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए नो,
और 6 का डिवाइड इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जिस नंबर में 2 का और 3 का दोनों का डिवाइड जाएगा उसमें 6 का डिवाइड भी चला जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट्स में हमने देखा कि 8 का डिवाइड चला जा रहा है, तो इस नंबर में भी 8 का डिवाइड चला जाएगा। इन नंबर को हमने प्लस किया, नंबर्स को प्लस करने के बाद ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिसमें 9 का डिवाइड चला जाए, तो ये नो होगा। यहाँ पे 10 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 चाहिए, और 11 का डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करने पे या तो रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए, या तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, होना चाहिए, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए नो। ऐसे हम सारे नंबर्स को चेकआउट कर लेंगे तो यस नो यहाँ पे कम्प्लीटली फिल किया हुआ इस टेबल में। आप देख सकते हैं कि किसमें किसका डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ पे भी हमें डिविजिबिलिटी रूल के बारे में टेस्ट करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 4 और 8 का डिवाइड चला जा रहा है और क्यों नहीं जा रहा है, यह बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 8 के बारे में आपको पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल को टेस्ट करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करने पे हमें मिल रहा है कि 4 का डिवाइड चला जा रहा है, और लास्ट के 3 डिजिट्स में हम चेक कर पा रहे हैं 572 में, तो 8 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं नॉट डिविजिबल। यहाँ पे भी हमने देखा डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, यहाँ भी डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई 4 बट एंड नॉट डिविजिबल बाई 8। ये तो हो गई कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें चेक करना है 6 की डिविजिबिलिटी रूल। 6 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक कैसे करेंगे, हम वैसे ही चेक करेंगे जैसा कि मैंने बताया है। हमें चेक करना है 2 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए, इस नंबर में 2 का डिवाइड तो चला जा रहा है क्योंकि लास्ट में 4 है, लेकिन जैसे इसको सम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी 27 आ रहा है, इनका सम 27 आ रहा है, इन सबको प्लस करेंगे और तो 3 के डिविजिबिलिटी से 3 से भी डिविजिबल है। बाकी ऐसे ही हम सारे नंबर्स को चेकआउट कर पाएंगे, सारे नंबर्स को ऐसे ही हमें चेक करते जाना है कि इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर 2 और 3 दोनों का डिवाइड जा रहा है, तो अगर 2 और 3 दोनों का डिवाइड जा रहा है यानी कि उस नंबर में 6 का डिवाइड भी चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो उस नंबर में भी 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, हम चेक करके हम देख सकते हैं कि इसमें 11 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 5 4, यहाँ पे दिया हुआ है 5 4 4 और 5, मैंने बोला है आपको अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। आप देख सकते हैं 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 5 में से, और यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 0 आ रहा है, यानी इसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा। सेम ऐसे ही सब में हम अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करके देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप ओड प्लेसेस पे जो नंबर है उन्हें प्लस करके देखिए, और जो इवन प्लेसेस पे है उनको प्लस करके देखिए और उनको माइनस करके देखिए। अगर 11 आ रहा है यानी कि इसमें 11 का डिवाइड चला जा रहा है, या 0 आ रहा है तो भी उसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अल्टरनेट वे में भी प्लस माइनस करके देख सकते हैं कि क्या आएगा। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट इन दिस ब्लैंक्स स्पेस इज द फॉलोइंग नंबर सो दैट फॉर्मड बाय द डिविजिबल बाय 3। हमें देखना है कि इस नंबर में 3 का डिविजिबिलिटी हमें बताना है कि कैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, ये हमें ऐसा करना है इस नंबर को। स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट डिजिट हमें फिल करनी है इसमें। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अगर 2 को मैं फिल कर दूंगा, अगर फर्स्ट वाले नंबर में यहाँ पे अगर 2 फिल कर दूंगा तो इसमें हमारा कम्प्लीटली 3 का डिवाइड चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट डिजिट की, तो लार्जेस्ट डिजिट अगर यहाँ पे 2 की जगह पे अगर मैं 8 करता हूँ तो यहाँ पे 3 का डिवाइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 21 होगा प्लस करने पर, यहाँ पे 27 होगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पे 0 फिल करूंगा तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे अगर लार्जेस्ट डिजिट की बात करूं तो 0 की जगह पे मुझे 9 रखना होगा, उसके बाद ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो ये कम्प्लीट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी सेम यही चीजें पूछी गई हैं, हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट फिल करना है ताकि 11 से डिवाइड हो पाए। तो हम सेम वही कॉन्सेप्ट ला सकते हैं ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं अगर 8 फिल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 फिल करता हूँ इस नंबर में, तो यहाँ पे जैसे 8 फिल करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस इनका क्रिएट होके आएगा वो 11 निकल के आ रहा है। तो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 11 निकल के आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर इसमें बात करते हैं, यहाँ पे मैंने 6 फिल किया है, तो आप देख सकते हैं कि 6 को फिल करने पे भी यहाँ पे 11 से डिवाइड चला जाएगा। तो हमें बताना था सम ऑफ डिजिट ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को माइनस करने पे या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है,
हमारा जो नंबर होता है उसमें 11 का डिवाइड चला जाता है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल के बेस कंप्लीटली डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड थी, डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बेस्ड थी। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।